धार जिले के कुक्षी तहसील में लगातार हो रहे दोपहिया वाहन चोरी के मामले को ध्यान में रखते हुए पुलिस अधीक्षक धार आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार पाटीदार के मार्गदर्शन में SDOP ABC तथा कुक्षी थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत के नेतृत्व में कुक्षी पुलिस ने एक टीम का गठन कर लगातार हो रही वाहनों की चोरी को अंकुश लगाने के लिए और चोरों को पकड़ने के लिए दबिश देते हुए 4 बाइक चोरों को धर दबोचा। 4 बाइक चोर केरम सिंह पिता रतन सिंह निवासी ढेलवानी बाग, कैलाश पिता ठाकुर निवासी बड़कच, बूचना पिता राजू निवासी सोरवा, मुकेश पिता सिकदार निवासी चोरवा, इन चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी संजय पिता गुलर सिंह खनी अम्बा और सुरेश पिता शंकर टांडा अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार हैं। फरार चोरों की तलाश जारी है। पुलिस ने चारों आरोपियों से 19 मोटरसाइकिलें जब्त की जिसकी कीमत लगभग 25 लाख रुपए है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने धारा 379/411/4 में मामला दर्ज कर जेल में भेज दिया है। भारतीय न्यूज के लिए कुक्षी से घनश्याम पाटीदार की यह रिपोर्ट। ये जिले में लगातार मोटरसाइकिल की चोरियों को देखते हुए हमारे धार जिले के पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने निर्देशित किया था कि वाहन चोरों को पकड़ना है करके। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा एक SIT का गठन किया गया था जो कुक्षी में थाना प्रभारी श्री गहलोत इनके नेतृत्व में, उप निरीक्षक दिलीप तड़ेवाला, थाना बाग के उप निरीक्षक टोप्पो और निसरपुर चौकी प्रभारी बिल्लोरे के नेतृत्व में उनके सहायकों के साथ एक टीम का गठन किया गया था और लगातार इनकी पत्तरसी की जा रही थी। इसी तारतम्य में दिनांक 4/6/2021 को दो संदिग्ध लोगों को पकड़ा गया और जब इनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने विभिन्न स्थानों से मोटरसाइकिल को चुराना कबूल किया है। इनके और भी साथी हैं जो टांडा बाग क्षेत्र में रहते हैं। इस तरह इनकी पूछताछ पर हमने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उससे कुल 19 मोटरसाइकिल जिनकी कीमत करीब 25 लाख रुपये है ये बरामद किया गया है। Subscribe now to most exciting channel ever.